हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल फ्री में जानो में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही कमाल का है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको मिलेगा 1,20,000 रुपए घर बनाने के लिए। दोस्तों प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सभी ग्रामीण क्षेत्र के वासियों को मिलेंगे 1,20,000 रुपए घर बनाने के लिए। अगर आपके पास आधार कार्ड है और आपका इस लिस्ट में नाम है तो आपको मिलेंगे 1,20,000 रुपए। दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में गरीबों को आवास बनाने के लिए 1,20,000 रुपए सरकार की तरफ से मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ये जो लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा दिख रहा है दोस्तों इसे टच करते हैं। जैसे ही यहाँ पे से टच करेंगे इसके पास एक बेल आइकन घंटे का निशान आया उसे भी टच करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप देख सकें हमारी नई नई वीडियो। सबसे पहले दोस्तों ये लाइक वाले बटन को दबा के नीला कर दें ताकि हमें पता चले आपने हमारी वीडियो देखी और लाइक कर दिया। शेयर वाले ऑप्शन से शेयर कर दें अपने यार दोस्तों के साथ फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, और दोस्तों नीचे की ओर आके आपको कमेंट कर देना है और दोस्तों नीचे आकर कमेंट में लिख देना है आपको घर है या नहीं। दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ग्रामीण को आधार कार्ड है तो मिलेंगे 1,20,000 रुपए और आपका इस लिस्ट में नाम है तभी आपको मिलेंगे 1,20,000 रुपए। तो दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए गरीब लोगों को आवास बनाने के लिए सरकार ने 1,20,000 रुपए अनुदान देती है। ये अनुदान चार किस्तों में दिया जाता है। पहली किस्त नींव डालते वक्त, दूसरी किस्त निर्माण 50% होने पर, तीसरी किस्त निर्माण 80% होने पर और चौथी किस्त निर्माण पूरा करने के बाद मिलता है। तो दोस्तों अगर लाभार्थी स्वच्छ भारत अभियान में के तहत घर में शौचालय का निर्माण भी करता है तो उसे इसके लिए अलग से 1,12,000 रुपए दिए जाते हैं। तो दोस्तों अगर स्वच्छ भारत अभियान के तहत अगर ग्रामीण शौचालय का निर्माण करवाता है तो 12,000 रुपए उसे अलग से दिए जाते हैं। और दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की लिस्ट देखने के लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर में जाना होगा। क्रोम ब्राउजर में लिख देना है PMAY, जैसे ही आप ये लिख के सर्च करेंगे फिर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको नीचे की ओर आकर आ जाना है और आपको ये दिख रही है प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना, ग्रामीण आपको इसी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे फिर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको ये दिख रहा है दूसरे नंबर का हाई लेवल फिजिकल प्रोसेस स्पोर्ट, तो आपको इसी पे क्लिक कर देना है दूसरे नंबर पर। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे फिर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको ये दिख रहा है PMAY जी, प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना ग्रामीण, आपको नीचे दिख रहा है आर सिलेक्ट, आपको इसी पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर अपना प्रदेश सिलेक्ट कर लेना है, आप किस प्रदेश के रहने वाले हैं आपको वो सिलेक्ट कर लेना है अपना प्रदेश। चलो मैं आपको उत्तर प्रदेश की दिखाता हूँ। जैसे ही आप प्रदेश सिलेक्ट कर लेंगे फिर आपके सामने एक सिलेक्ट का ऑप्शन और आ जाएगा। अब आपको अपना राज्य सिलेक्ट, अपना जिला सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप अपना जिला सिलेक्ट कर लेंगे फिर आपके सामने एक सिलेक्ट का ऑप्शन और आ जाएगा। फिर आपको अपना ब्लॉक सिलेक्ट करना है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हैं तो आप अपना ब्लॉक सिलेक्ट करेंगे, अगर आप टाउन एरिया का रहने वाले हैं तो टाउन एरिया सिलेक्ट कर लेंगे। चलो मैं आपको ग्रामीण क्षेत्र की दिखाता हूँ, आपको ब्लॉक सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप ब्लॉक को सिलेक्ट कर लेंगे फिर आपके सामने कुछ एक सिलेक्ट का ऑप्शन और आ जाएगा। फिर अब आपको अपना गाँव सिलेक्ट कर लेना है, आप कौन से गाँव की लिस्ट देखना चाहते हैं। जैसे ही आप अपना गांव सिलेक्ट करेंगे फिर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको ये सबमिट लिख रहा है आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे फिर आपके सामने ये पूरी लिस्ट आ जाएगी। ये चार लोगों को आवास मिल चुका है और इन्हें 1,20,000 रुपए मिले हैं 3 किस्तों में और इनका काम कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों अगर आपका भी इस लिस्ट में नाम है तो सरकार आपको भी देगी 1,20,000 रुपए आपके घर बनाने के लिए। अगर आपका कच्चा घर है तो सरकार सभी उन लोगों को ये दे रही है जिनका कच्चा घर है उन्हें पक्का घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपए दे रही है सभी के बैंक खातों में। तो दोस्तों अगर आपका इस लिस्ट में नाम है तो आपको भी मिलेंगे 1,20,000 रुपए सीधे आपके बैंक खाते में घर बनवाने के लिए। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो अपने ग्राम प्रधान से के द्वारा आवेदन कर सकते हैं, आपको भी ये प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना के अंतर्गत आपको भी मिलेगा 1,20,000 रुपए। अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो आप ग्राम प्रधान या ग्राम पंचायत अधिकारी से मिलकर इसके आवेदन कर सकते हैं और आपको भी मिलेंगे 1,20,000 रुपए सीधे आपके बैंक खाते में। तो दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और दोस्तों ऐसे ही नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने अपना कीमती समय दिया।